यूट्यूब के चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे STT सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 25th अप्रैल एंड कम्प्लीट बाय 9th मई। सर्टिफिकेट विल बी गिवन इन DEO ऑफिस। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार के मैसेज कई अभ्यर्थियों तक पहुंच रहे हैं और इसमें कहा गया है कि 25 अप्रैल तक जो है 25 अप्रैल से 9 मई तक जो है वो सर्टिफिकेट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि इतने सारे अभ्यर्थियों को जो ये मैसेज आ रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है, क्या सच में 25 अप्रैल से जो सर्टिफिकेट का है वो DEO ऑफिस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। तो ऐसे कई सारे अभ्यर्थियों को ये मैसेज जो है ग्रुप में वायरल हो रहा है और देख सकते हैं इसमें लिखा है ऑल STT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट फ्रॉम 7th मई टू 15th मई। आप देख सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे 12 अप्रैल को अभ्यर्थी को ये मैसेज भेजा गया है और इसमें वही ये मैसेज जो है दोस्तों STT के जो एडमिट कार्ड के लिए जो मैसेज आया था ठीक उसी पे ये मैसेज जो है अभ्यर्थियों को पहुंच रहा है और कई सारे अभ्यर्थियों से बातें भी हुई है इसे लेकर कि क्या ये इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। तो अभ्यर्थियों ने कहा है कि भाई इस प्रकार के मैसेज जो हैं उन्हें लगातार पहुंच रहे हैं। वर्किंग कमेटी सदस्य के जो मेंबर हैं आलोक श्रीवास्तव, उनका भी कहना है कि इस प्रकार के मैसेज जो आ रहे हैं तो एक बार कहीं ना कहीं DEO कार्यालय में जाके आप इसका पड़ताल जरूर करें। दोस्तों ऑल STT क्वालिफाइड कैंडिडेट नीड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट फ्रॉम 7th मई टू 15th मई। कहा गया है कि 7 मई से लेके 15 मई तक सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें और विभाग ने जारी किए शिक्षा विभाग की ओर से ये मैसेज जो है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और देख सकते हैं दोस्तों और इसमें लिखा भी है www.bsep.stt19.in। तो अब कहीं ना कहीं इसके लिए आपको DEO कार्यालय में जाना होगा दोस्तों और ये मैसेज सभी अभ्यर्थियों को आ रहा है। तो आपको एक बार ज़रूर पता करना है कि इस वायरल की सच्चाई कितनी है, क्या कुछ इस मैसेज की सच्चाई है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है और इसमें डेट भी दिया गया है कब तक आपको ये तैयार रखना है, ठीक है। और जहाँ पे आपका STT रिजल्ट 2019 जो आपने चेक किया होगा वहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है कि जिसमें कि ऐसा लिखा हो कि डॉक्यूमेंट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट तैयार रखने हैं, तो ऐसा इसमें नहीं दिखाई दिया कुछ भी, ठीक है। और ये है देख सकते हैं आपका BR STT। अब देख सकते हैं डियर कैंडिडेट प्लीज़ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। तो जहां आप देख सकते हैं यही इसी पे ये आप देख सकते हैं जो मैसेज आया मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए BRTSTT यहां पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और इसमें भी देखिए साफ तौर पर ये क्या बात ली, जो मैसेज आपका एडमिट कार्ड के लिए आया था ठीक वैसा ही आप देख सकते हैं यहां पे भी आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा डियर कैंडिडेट्स प्लीज़ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, ठीक है। STT एडमिट कार्ड योर ऐप नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे हटा रखा है फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दे सकते हैं, ठीक है। तो STT अभ्यर्थियों के लिए अगर ये खबर सही होती है तो एक अच्छी खबर हो सकती है। इसकी पड़ताल के लिए आप DEO कार्यालय जाएं और वहाँ पड़ताल करें कि सच में क्या हमें सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं तैयार रखने हैं 7 मई से लेके। आप देख सकते हैं उसमें लिखा भी गया है कि इस बीच में 7 मई से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं 7th मई से कहा है कि 15 मई तक आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मैसेज जो हैं वो आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रुप में वायरल भी हो रहा है मैसेज, ठीक है। ऑल STT क्वालिफाइड कैंडिडेट नीड टू अपलोड दिया डॉक्यूमेंट, कहा भी गया है कि 7th मई से लेके 15 मई तक ऑन दे सकते हैं। यहाँ साइट भी दिया गया है BSB STT 2019, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार रखना है। जैसा कि एक पहले भी एक लेटर आया था उसमें भी हम देख लेते हैं,
ये वो लेटर था दोस्तों, इसमें क्या दे सकते हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना प्रतान, जिसमें दिनांक लिखा हुआ है यहाँ पे आलोक में छठा चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन देखा गया है और मेधा सूची अभ्यर्थियों के कुल प्रमाण पत्रों को, ये जो आया था लेटर, इसी में हम देख लेंगे कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो देख लीजिए भाई, सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणी का प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, MSTT मूल प्रमाण पत्र, छाया प्रति, अंतिम योग्यता वाले महाविद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र, जाति WS, निवास एवं विकलांगता का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, इसमें अभ्यर्थी का नाम जन्मतिथि अंकित हो, आवेदन पत्र पर डाक का प्राप्ति रसीद, अभ्यर्थी का फोटोयुक्त परिचय पत्र, STT का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, काउंसलिंग के दस्तावेज दरमियान अभ्यर्थी से घोषणा पत्र लिया जाएगा कि वे किसी अन्य प्रकार के नियोजन इकाई में पूर्व से नियोजित नहीं है, साथ ही उनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है। तो ये तमाम जो है दस्तावेज को तैयार रख के क्योंकि जो वायरल मैसेज है अगर वो सही होता है तो अभ्यर्थियों को अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखने होंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे STT वर्किंग कमेटी आलोक श्रीवास्तव सर का क्या कहना है आप सुन सकते हैं इसे लेके एक ऑडियो के माध्यम से, जिन लोगों ने केस किया है उस पे क्या कुछ आलोक सर का कहना है वो मैं आपको सुना देता हूँ दोस्तों ऑडियो क्लिप के माध्यम से। करना हाथी जब चलेगा बाजार तो कुत्ता भौंकेगा ही, उस कुत्ते को भौंकने दीजिए जितना भौंक रहा है, उसकी भौंक का जवाब जो है वो कोर्ट में दिया जाएगा। वो जो पहले जो है वो पास करने का उम्मीद उसको था कि नॉर्मलाइजेशन से हम पास कर देंगे, उसका ऑडियो आप सुने होंगे, आज जब पास नहीं किया जब फेल कर गया तो केस कर रहा है, नेता बन रहा है। अरे भाई तो तुमसे तो बड़का नेता था भैया है तो तू ही जान रहा है, और तुमसे बड़का नेता है संगठन चला रहे हैं तो ऑब्वियस है संगठन के लोग फंडिंग करेंगे ही हमको, और कोई भी जो काम होगा वो ऑब्वियस है कि संगठन के फंडिंग से ही होगा, अगर संगठन फंडिंग नहीं करेगा तो नहीं होगा ऑब्वियस है। अब अगर हम खड़ा हो रहे हैं तो तुमको काला फट रहा है, तुम भी खड़ा हो तू तो करिए रहा है नेतागिरी, कर नेतागिरी, जितना ताकत है लगा ले अपना, तुम भी हम भी देख लेते हैं ताकत तुम्हारा कितना है, कितना तू इंटरवेनर के तू रोल बता रहा है हमारा, इंटरवेनर के क्या काम है, दो आदमी लड़ेगा तो इंटरवेनर के में क्या काम है, अरे तो दो आदमी लड़ेगा में इंटरवेनर के नुकसान होगा तब ना इंटरवेन करेगा, उसका रोल नहीं रहता तो काला इंटरवेन करता है, कोर्ट में नियम काला बना के दो आदमी लड़ेगा, तीसरा आदमी काला बीच में घुस रहा है, तीसरा आदमी को दो आदमी के लड़ने से नुकसान होगा तो घुसेगा, और घुसाएंगे वह लोग को ना जिससे तुम लोग को नुकसान होगा। तो लोग जितना फेल वाला ग्रुप बना लिए हो तो हम पास वाला ग्रुप लोग खड़ा कर देते हैं वहीं पे, हम इंटरवेन नहीं करेंगे ठीक है, खड़ा तो करेंगे आदमी हम ही नहीं इंटरवेन के लिए, घबरा मत तू, और देख कभी कौन को नन खड़ा करते हैं जितना जो पास किया है सब मैथ में सबके खड़ा करते हैं, हमें घबरा मत तू, और 10-11 वाला खड़ा करेंगे 10-11 का जो पास किया है, चिंता मत कर तू, मेरा चिंता मत कर कि हम क्या कर रहे हैं, हम पाला खरीद लिए हैं, स्कॉर्पियो खरीद लिए हैं, एथी खरीद लिए हैं, अरे खरीदे हैं जमीन खरीदने वाले हैं तो तोरा से क्या दिक्कत है भाई, जो हमारा दे रहा है पैसा ओकरा दिखते ना है, और तू बड़ा देखी कर रहा है, और तोरे पैसा देने से लग रहा है कि हमारा जमीन है अथी है, हमारा घर में तो इससे लग रहा है कि हमारा घरे ना है रहने के लिए जिससे गुजार रहा है, अरे सब बौखला गया है ये सबको, मतलब ना नहीं होता कि बौखला गया है कि अब ये सब इंटरफेयर करना शुरू करेगा तो ये लोग के तो ऑब्वियस है कि जब खड़ा होंगे तो ये लोग तबाही मचना तय है, और सब गेम पीछे से खेल रहा है, पता है कौन कौन पीछे से गेम खेल रहा है, कौन वकील को खड़ा कर रहा है, कौन पिटिशनर बना रहा है, ये किसी को पते नहीं चलेगा कि तू कितना भी है तो अभी कोर्ट कचहरी के मामला में बच्चा है, अभी तो दूध पीता बच्चा है इस मामले में मेरे सामने, इसलिए जितना थोड़ा लगाना है ताकत तू लगा ले, और देखता नया नया आदमी को तू खड़ा कर रहा है ना पिटिशनर बना के, वो तू सो मत पहचान नहीं पाएगा आदमी, तो अभी कॉज लिस्ट छोड़ दे तू, अभी तो केस फाइल हुआ है, अभी टोकन नंबर तुरा मिला है ना तो टोकने नंबर से पता कर लिए हैं कि तुम्हारी केस है, अभी सोच ले तुम्हारा केस का अभी नंबर नहीं मिला है कि तुम्हारा CWJC कितना नंबर है, लेकिन टोकने नंबर से हम पता कर दिए हैं कि तुम्हारी केस है, हमें हमारा इंटरव्यू करना है।
रहा बात सहयोग का, चंदा का या जो भी, तो वो सब लोग लड़के करते हैं हमको, हम कुछ कहने नहीं जाते हैं। कहते हैं 50 को रिकॉर्डिंग मोबाइल में पड़ा हुआ है, अब 50 को मैसेज दिखा देते हैं कि लड़का खुद कहता है कि सर जब आप इशारा है वो खाली करिएगा, तो एगो इशारा करे भर के खाली देरी है। और संगठन के नेता हम हैं, कहने का तुमको जरूरत नहीं है कि स्टेट वर्किंग कमेटी के हम नेता, हम ये है स्टेट वर्किंग कमेटी के नेता, तो हमें चिंता की कौन जरूरत है। हैं लोगों का इतना विश्वास है तब ना है, लोगों का विश्वास है उतना, अगर तोरा औकात है तो तू बना के दिखा विश्वास, औकात ना है तो चुपचाप घरे बैठल रहा आराम से। तोरा जितना ताकत है तू लगाइए रहा है अपना कोर्ट में, हमारा जितना ताकत होगा रिजल्ट बचाने के लिए हम लगाई पे करेंगे, वो तू चाहे जो करना है तो कर ले।